आपको बता दें कि जनपद बादा में आज ईद उल फितर त्यौहार ईदगाह पर नमाजियों ने नमाज अदा की तथा एक दूसरे के गले मिलकर अमन चैन की दुआ की। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए नरेंद्र सोनी जी की रिपोर्ट बांदा से। संदेश दिया था कि हामिद ने अपनी दादी के लिए चिंता खरीदा, उसके दर्द को समझा, लोग अपने दर्द को समझेंगे और इस तरह से संवेदना और अपनी अगली पीढ़ी जो है आपके बुजुर्गों की पीढ़ी है उसका ख्याल रखेंगे। हम सब खुशियों भरे त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाएं, प्रेम से मनाएं, एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के सुख दुख को